जब मुझे ऑफर हुआ ना तो मुझे पता चला कि अली है प्रोजेक्ट में, तो उससे पहले मुझे काफ़ी लोगों से पता चला कि क्योंकि मैंने अली के साथ उस टाइम पे काम किया था, तो अली उस टाइम पे बहुत डिफरेंट थे, लाइक बहुत ज़्यादा जॉली थे और यू नो फ्रैंक थे, और मतलब इनका नेचर बाकी सबके साथ मैंने देखा, मैंने कहा बंदा बहुत चिल है। तो जब मुझे इनके साथ ऑफर हुआ उससे कुछ टाइम पहले ही मुझे दो चार चीज़ें पता चली कि अली बहुत एटीट्यूड, मतलब एटीट्यूड नहीं, बहुत अपने में रहते हैं, अपने जोन में, ज़्यादा बात नहीं करते, ज़्यादा हंसी मजाक नहीं है, और यू नो लाइक मतलब एक क्या कहा जाएगा उसको, एक एक डिस्टेंस पे रहते हैं, एक रिजर्व रहते हैं। मैंने कहा ओके ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन केमिस्ट्री कैसे बनी? मुझे भी मुश्किल लगा, थोड़ा डर भी लग रहा था कि इतना काम है कैसे होगा अगर केमिस्ट्री अच्छी नहीं बनी है, एक बंदा जो है बात, मैंने सुना बात ही नहीं करता किसी से पता नहीं कैसी वो मुझे दो तीन लड़कों ने भी बोला, मुझे तीन चार लड़की, मैं आपको बताया था मैंने, हाँ मुझे याद है कि तीन चार लोगों ने मुझे बोला था ये कि बस अब तुम खैर मनाओ, नहीं नहीं मतलब ये नहीं बोला था कि बदतमीज है या बुरा है, मतलब ये कि रिजर्व है, तो मैंने कहा यार ठीक है रिजर्व अपने उसमें, मतलब उनको समझ नहीं आ रही कि इसके साथ आइस कैसे ब्रेक करें, कि उसके साथ केमिस्ट्री अगर बनानी हो तो कैसे बनाए, वो समझ ही नहीं आ रहा। और आपको बिल्कुल नहीं पता था कि आपके बारे में ऐसी रेपुटेशन है, मैं तो ये सोच रहा हूं कि यार शायद उनको इंटरेस्ट नहीं है काम करने में। फर्स्ट डे हमारा जो शूट था, फर्स्ट डे वो वही था जो कल एपिसोड ऑनियर हुआ, कल वो पहला, दैट्स द फर्स्ट टाइम वी मेट ऑन सेट, जो कल रात ऑनियर हुआ, शादी वाला, बलि में वाला, शादी वाला पहला सीन था, पहला सीन था हमारा, आगे बड़ा वाला, पहले ये बात कंप्लीट कर ले फिर उस पे आ। तो जब हम फर्स्ट डे गए तो अली और मैंने सलाम दुआ की, हम अच्छे से मिले, और मैंने कहा ओके ठीक है अभी तक तो सही है, लेकिन जब पहले दिन भी शूट हो गया, पहले दिन भी हम नॉर्मल थे, कोई हमारी बात नहीं हुई, एक दो दिन गुजर गए, एंड देन फिर उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हम हैदराबाद वाला सीक्वेंस हमने पहले शूट करना शुरू किया था, तो उसके बाद से फिर हमारी अच्छी बातचीत शुरू हुई। मैं बताऊं क्या करता हूं, पहली दफा जब मुलाकात होती, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक है, ओके गुड टू सी यू अली, ठीक है, उन्होंने बोले यही हुआ मेरे साथ, ठीक है ऐसा ही हुआ, ठीक है, उसके बाद बैठ गए, दिस एंड दैट, अच्छा सीन आया पहला, अच्छा ठीक है पहला सीन आया, जो कौन सा पहला सीन था हमारा, वही जो बड़ा सीन था, वही जो बड़ा सीन, बड़ा सीन जो कल हुआ ना, वो बड़ा सीन था। तो देन बेसिकली देन जब सीन की बारी आती, फिर मैं कहता हूँ आए लाइंस करते हैं जो भी है, फिर अच्छा इस तरीके को कैसे करना है, फिर वो तो नॉर्मल सीन्स होते हैं, जब रोमांटिक सीन सबसे पहला वाला आता है, क्योंकि ऑब्वियसली स्क्रिप्ट आपने पढ़ी होती है, जब रोमांटिक सीन आता है फिर आपको फिगर आउट करनी होती है कि जी इस सीन का नेचर क्या होगा, जो एक्ट्रेस आपके ऑपोजिट है उसकी जो एक कम्फर्ट जोन है वो क्या है। सही बात है, यू नो, सो यू आस्क दीज क्वेश्चंस के आर यू कंफर्टेबल विद दिस, हाउ शुड वी डू दिस, डायरेक्टर ने कुछ बोला, डायरेक्टर ने शायद बोला कि जी आपने आना और आपने जो है ना उसको यहाँ से यूं पकड़ना ऐसे करके, तो भाई मतलब तो वो कंफर्टेबल है भी या नहीं, आपने तो बोल दिया मैं कैसे ऐसे कर लूं, और वो कैसे ऐसे एक्सेप्ट कर ले, तो जी आपने पूछना, मैंने कहा इससे पहले कि मैं कहूं आर यू ओके, यू नो आर यू ओके, उन पे डाल दो, ऊपर नहीं है उन पे डाल दो, देन फिर वो कहते नहीं ऑब्वियसली शायद लड़की को कोई रिजर्वेशन होगी या मुझे भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि इट वर्क्स बोथ वेज, सो देन यू जस्ट फाइंड आउट दिस कॉमन ग्राउंड एंड देन यू वर्क ऑन इट, एंड देन ऑब्वियसली आपकी जो एक केमिस्ट्री वैसी जो बनने लग जाती है फिर वो लोगों को पसंद आता है।